कि आपका वेट ज़्यादा है या आप फैट दिखते हो, इसकी वजह से आप लोगों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है। तो हो सकता है ये मूवी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिल दुखा सकती है। तो ये कहानी होती है जुएटा नाम की एक लड़की की, जो कि दिखने में अच्छी नहीं होती, मोटी होती है, अगली होती है, इसलिए कॉन सेंटर में काम करती है जहाँ पर मेंस को सिड्यूस करना होता है, क्योंकि वहाँ बस आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। लोनली मेंस को खुश करना इसका काम होता है, एक ऐप के ऊपर आईडी बनाकर बातें करके उनसे पेमेंट लेकर और उनको खुश किया करती है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम भी चेंज कर दिया होता है इसने। और ये एक हसमुख किस्म की बहुत ही प्यारी लड़की होती है, पर इसकी बॉडी के लिए इसका काफ़ी मजाक बनाया जाता है। पर इसका सारा ध्यान अभी पैसे कमाने पर होता है, ताकि अपने पिता के मेडिकल बिल को भर सके। इसके कई रेगुलर कस्टमर्स भी होते हैं, जिसमें से एक डॉक्टर होता है जो रोज़ रात को इसको कॉल करके इससे डर्टी टॉक करता है। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो कस्टमर्स को लगता है कि दिखने में सुंदर होगी, और उसी आवाज़ की वजह से इसको एक म्यूजिक लेवल की कंपनी में सिंगर का काम भी दिया गया होता है। पर ये बैक स्टेज सिंगर होती है, जिसे हम घोस्ट सिंगर कहते हैं। सामने स्टेज पर कभी नहीं आती, क्योंकि सामने स्टेज पर ईवा नाम की एक लड़की रहती है, जो दिखने में स्लिम और बहुत खूबसूरत होती है, ऐसा इनका मानना है, मेरे को नहीं लगी भाई। पर आवाज़ ऐसी होती है ना इसकी कि सुन के कान से खून निकल जाए, इसलिए कंपनी वाले जुएटा को स्टेज के पीछे बैठाकर उससे गाना गवाते हैं, और ये स्टेज पर आकर लिपसिंग करती रहती, लिप्स हिला हिला के, सबको लगता है कि यही गा रही है। पर गलती से आज जुएटा गिर जाती है, तार में पैर उलझ गया था, तो ईवा जो कि लड़की है बाहर से अंदर आकर इसके ऊपर चिल्लाती है, डांटने लगती है कि तेरी वजह से मेरा कॉन्सर्ट खराब हो जाता है, ये वो कर रही होती है, और कहती है देख खुद को कैसी है तू, हाथी जैसी दिखती है तू। जुएटा बताती है कि तार में पैर फंस गया था, पर सुनती नहीं है इसकी। इतने में म्यूजिक बैंड का जो प्रोड्यूसर होता है, इसका नाम एंड्रे होता है, ये आकर जुएटा को हग करके उसको कंफर्ट करता है, क्योंकि जुएटा ने अच्छा काम किया है आज। और एक हग, बस एक हग जुएटा का दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी था। उसको यहाँ से ऐसा लगने लग जाता है कि एंड्रे इसको पसंद करता है, इससे प्यार करता है। यहाँ से अपनी फ्रेंड से मिलती है ये, और साथ में दोनों रेस्टोरेंट में जाकर बातें करने लग जाती है अपनी अपनी लाइफ के बारे में। आज भी जुएटा बताती है कि एंड्रे ने मुझे हग किया, वो मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। इसकी फ्रेंड कहती है इम्पॉसिबल है, एंड्रे को इतनी सुंदर सुंदर लड़की अप्रोच करती होगी तो उनमें से वो किसी को चुनेगा ना, कि तुझको, तुम बहुत मोटी हो। ये जुएटा को समझाती भी है काफ़ी ज़्यादा इस बारे में कि देखो तुम किसी के ऊपर ऐसे ज़्यादा वो मत हो जाया करो, किसी की बातों में मत आ जाया करो, वरना कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है, तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। ये बैठी चुपचाप सुन रही होती है, इसको याद आता है कि कॉलेज में जब ये पढ़ा करती थी तो इसके क्लास में दुआ करता था, जो इसके करीब आना चाहता था वो इसके करीब भी था, और जुएटा को ऐसा लगता था कि लड़का मुझसे प्यार करता है, पर वो लड़का बस इसके पास इसलिए था क्योंकि वो इससे अपने असाइनमेंट बनवाया करता था, इसका यूज करता था, और वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में था। जब ये बात जुएटा को पता चली तो उसको झटका लगा, और उसने जाकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। और यहाँ पर हुआ क्या कि इसका बॉडी में मतलब फैट बहुत ज़्यादा होता है ना इसकी बॉडी में, तो इतनी सारी गोलियाँ भी खाई नहीं इसने, तो जहर का काम नहीं करती है वो। ये दो चार दिनों तक लगातार सोती रही, इसके घर वालों को लगा कि हमारी बेटी मर चुकी है। फिर यहाँ से प्रेजेंट में आ जाते हैं हम, दोनों फ्रेंड्स यहाँ से चल देती हैं घर की तरफ। रास्ते में इनको एक टैटू की शॉप दिखती है, जहाँ से दोनों फ्रेंड्स एक टैटू बनवाती है जो कि फ्रेंडशिप का होता है और दोनों की कमर पर होता है। खुशी खुशी फिर यहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन काम के बाद एंड्रे जुएटा को कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, ये खुशी खुशी मान जाती है, और रास्ते में कहता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो तुम भी पार्टी में आ सकती हो। जुएटा बहुत खुश होती है, प्रॉमिस भी करती है, और फिर इसको कहती है कि मुझे एक हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दो। इसको छोड़ देता है और ये यहाँ से चली जाती है, और हम इसके पिता से मिलते हैं जिनका दिमागी इलाज चल रहा होता है। जुएटा अपनी पर्सनल लाइफ किसी को भी नहीं बताती है, बस अपनी फ्रेंड को बताया, इसको लगता है किसी को अगर बताऊंगी तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके पिता की हालत भी ठीक नहीं हो रही है, इसके मोम की मौत के बाद इसके पिता की ऐसी हालत हो गई थी, पर अब इन्होंने जुएटा को ना पहचानना भी बंद कर दिया होता है, और इनको लगता है कि जुएटा इनकी वाइफ है। जुएटा फिर भी इनके लिए मेहनत करती है, पैसे कमाती है, आज बताती है ना कि मैं सिंगर बन गई हूँ और मेरे बॉस मुझे शायद पसंद करते हैं, मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका ताकि मैं उनसे शादी कर सकूँ। ये एंड्रे की बात कर रही है यहाँ पर। जुएटा अपनी डायरी एंड्रे की कार में छोड़कर चली गई होती है, ये खोल कर देखता है तो उसके ऊपर वही वाला टैटू बना होता है जो कि उसके कमर के ऊपर बना हुआ है। अगले दिन एंड्रे इसके लिए अपनी बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेस भेज देता है, कहता पहन कर आ जाए। जुएटा बहुत खुश होती है, अपनी फ्रेंड से बताती है कि देखो ये वो, मैंने कहा था ना कि वो मुझे पसंद करता है, उसने ड्रेस भेजी है मेरे लिए, और फिर ये पहनकर अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में आती है। एंड्रे के पास जाकर बैठ जाती है, उसको गिफ्ट देती है, और एंड्रे का बड़ा भाई इसे कोट उतारने को कहता है, इनोसेंट होती है बहुत ज़्यादा, उतार देती है, तो इसकी मोटी बॉडी को देखकर सब हंसने लग जाते हैं।
इवा ने भी सेम ड्रेस पहनी होती है। इवा के असिस्टेंट को पता चल गया था कि एंड्रे ने उसको गिफ्ट दिया ड्रेस, तो सेम ड्रेस वो इवा के लिए भी लेकर आया, इसको पहना है ताकि ये लोग यहाँ पर ये जता सके कि देखो इवा कितनी खूबसूरत है और ये लड़की कितनी ज़्यादा अगली है, ठीक है, ऐसा इनको जताना था। यहाँ पर जुएटा को मतलब बहुत जलील करते हैं ये लोग, यहाँ से उठ के चली जाती है बाहर की साइड। एंड्रे ईव पे गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईवा कहती है कि वो मोटी है, उसका मजाक बनाना चाहिए, वो उसी लायक है। इनका मानना होता है ना कि जो लोग मोटे होते हैं ना वो मजाक बनने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। एंड्रे कहता है कि उसकी आवाज़ अच्छी है, वो लड़की भी अच्छी है, बस बॉडी फैट है तो क्या हुआ, अगर वो सुंदर होती तो आज नंबर वन सिंगर बन जाती। अब जो ये वर्ड होता है ना, अगर वो सुंदर होती, ये बात जुएटा सुन लेती है और बहुत रोती है। इसको लगता है कि एंड्रे ने इसको अगली बोला है, जबकि ये तो उसके शादी के भी सपने देखने लग गई थी दो चार दिनों में ही। घर आती है, रोते हुए सोचते जान दे दूँ, पर जान देने से पहले इसके लोनली ऐप पर एक कस्टमर की कॉल आती है और वही डॉक्टर साहब होते हैं इसके रेगुलर कस्टमर, और इसको डॉक्टर को देख के ना कुछ याद आता है और ये डॉक्टर से अगले दिन मिलने पहुंच जाती है। डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, ये कहते हैं हाँ मैं तुम्हें सुंदर बना सकता हूँ, मैं तुम्हें पतला कर सकता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी पर उसमें पैसा बहुत लगेगा, जुएटा के पास इतने पैसे नहीं होते। तो कहती है कि मैं फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगी धीरे धीरे करके। डॉक्टर मना करके यहाँ से इसको भगाने लगता है, पर जुएटा भी बहुत तेज होती है, लोनली ऐप की रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है इसको, जो जो ये गंदी गंदी बातें करता था ना रात को उससे वो सब सुनाती है। डॉक्टर ये जानकर रोने लगता है कि यार इसके पास तो मेरी रिकॉर्डिंग है, और उससे भी ज़्यादा ये जानकर रोता है ये कि इस मोटी और अगली लड़की से मैं इतनी ऐसी ऐसी बातें किया करता था, और एंड में डर के मान जाता है वरना इसका डॉक्टर का करियर ख़त्म हो जाएगा। और जुएटा अपने पिता से लास्ट बार मिलने जाती है, बताती है उन्हें कि मैं आपसे कुछ महीनों बाद अब मिलने आऊँगी, आ नहीं पाऊँगी कुछ दिनों तक। और फिर इसकी सर्जरी शुरू होती है और यहाँ पर होने लग जाता है इसका ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से। इसने किसी को नहीं बताया होता इस बारे में। एंड्रे भी परेशान हो रहा होता है, काफ़ी दिन बीत गए होते हैं तो सिंगर विंगर चाहिए होता है इन लोगों को। अब इवा के सभी कॉन्सर्ट कैंसिल हो रहे होते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ की कोई सिंगर मिलती नहीं और इसको तो गाना आता नहीं है। इसकी आवाज़ की एक लड़की खोज रहे होते हैं ये लोग जो कि जुएटा से सिमिलर हो, और इसका एल्बम भी रुका पड़ा है जो कि रिलीज होने वाला था। अब अलग परेशान हो रहे तो इसके लिए लोग जुएटा के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं उसको खोजने के लिए। छानबीन करने से जुएटा के पिता के पेपर्स मिलते हैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं उनको खोजने के लिए। जुएटा कहाँ है पूछते हैं, पर इसके पिता की तो कंडीशन ऑलरेडी हम देख चुके कैसी है, बता तो नहीं पाएंगे कुछ, पर हाँ इसको एक ज्ञान जरूर दे देते हैं वो। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, अब जुएटा स्लिम और सुंदर हो गई होती है, सब शौक है हॉस्पिटल में कि कितनी सुंदर बन गई है प्लास्टिक सर्जरी के बाद। मॉल जाती है जहाँ पर खुद को देखकर ही शौक होती है, वही मॉल में ये ईवा को भी देखती है पैन कड़ाही बेचते हुए, क्योंकि सिंगर तो अब रही नहीं तो पेट पालने के लिए भाई कड़ाही तो बेचनी पड़ेगी। जुएटा फिर यहाँ यारा से मिलती है, यारा वही उसकी फ्रेंड का नाम था जो कि पुलिस स्टेशन में आई होती है क्योंकि जुएटा ने बुलाया इसको, क्योंकि जुएटा ने रोड पर एक्सीडेंट कर दिया था और जब इसने अपनी आईडी दिखाई तो फोटो मैच नहीं हो रही थी क्योंकि फोटो में एक फैट और अगली लड़की थी उनका ऐसा मानना होता है, और रियलिटी में एक सुंदर सी लड़की थी, तो अरेस्ट कर लिया गया होता है इसको। अब यारा को बुलाया है छुड़ाने के लिए और यारा भी नहीं पहचान पा रही होती है। फिर ये टैटू मिलाते हुए कमर पे जो बनाया था फ्रेंडशिप का, फिर ये छूट जाती है कि हाँ ठीक है यही लड़की है। दोनों जब रेस्टोरेंट में जाते यारा बताती है कि ईवा का करियर खराब हो गया, कड़ाही और पैन बेचती है, उसका एल्बम रिलीज नहीं हुआ था। जुएटा कहती है कि ईवा की घोस्ट सिंगर मैं फिर से बन जाती हूँ ताकि एंड्रे के करीब जा सकूँ। अरे यार ये लड़कियाँ आगे क्यों नहीं बढ़ती है, कूड़े में फिर से घुसना इसको। यहीं पर यारा का बॉयफ्रेंड डिस्क भी आ जाता है और जुएटा इसको खुद से एंजेला कह के इंट्रोड्यूस करती है, यानी कि उसने नाम एंजेला रख लिया होता है अपना। रिस्क के स्लिम होने के प्रोडक्ट बेचता है और टारगेट पूरा करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ही बेच देता है, कहता है ये तुम खरीदो तुम भी पतली हो जाओ। पर भाई ये यारा ऑलरेडी अच्छी खासी पतली होती है, मोटी नहीं है ये, तो प्यार करती है ना उससे तो खरीदती भी है, और इतना प्यार करती है कि खा भी लेती है उस दवाइयों को। और बस अगले दिन जुएटा एंड्रे की कंपनी में आती है और अपना नाम एंजेलिका बताती है। ऑडिशन शुरू होता है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। एंड्रे और इसके भाई तो इसकी खूबसूरती देखकर ही भौचक्के हो गए होते, कहते हैं इसको घोस्ट सिंगर नहीं बल्कि मेन सिंगर बना के स्टेज पर उतारेंगे, मार्केट में छा जाएगी ये वो, पर पहले अपने पिता की परमिशन लेनी होगी जो कि उस कंपनी के ओनर होते हैं। पर पिता को तो ईवा के साथ ही जाना होता है अभी भी क्योंकि वो सेक्सी है, इनका ऐसा कहना है। पर दोनों भाई एंजेला के लिए जीत कर रहे होते हैं तो पिताजी मान जाते हैं कि जाओ करो जो करना है। और फिर एंजेला का पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया जाता है, रिलीज किया जाता है और हर जगह लॉन्च होता है, वो कंट्री में टॉप पे आ जाता है इसका।
इधर युवा अलग परेशान हो रही होती कढ़ाई बेच बेच के, क्या होगा भाई वो बेच के इसका। जुएटा के पिता के पास आए दिन पहुंची रहती है जुएटा का पता लगाने के लिए। एंड्रे से बोलती है जुएटा का पता मैं लगा लूंगी, मेरा इंतजार करो, फिर हम ना सेकेंड एल्बम रिलीज करेंगे मेरा। एंड्रे गुस्से में कहता है कि भाई जाके तू ना सुरताल की प्रैक्टिस कर, वोकल सही कर, अपने दूसरों पर कब तक डिपेंड रहेगी। अब ये सुनकर युवा भड़क जाती है। यहाँ एंजेलिका यानी कि अपनी मेन कैरेक्टर सेकेंड सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही होती है, पर वो बात नहीं आ रही होती। तो एंड्रे इसे जुएटा की फर्स्ट ऑडिशन की वीडियो दिखाता है। एंड्रे को आइडिया तक नहीं है कि वो इसी लड़की की वीडियो इसी को दिखा रहा है। इसे कहता है कि इस लड़की को सुनो, सीखो इसको कि कैसे गाना गाती है ये। जुएटा कहती है ना कि मैं इस मोटी लड़की जैसी गाऊं क्या। ये सुनकर कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो मेरे लिए स्पेशल थी। अब ये बात सुनकर ना जुएटा को शौक लगता है कि स्पेशल थी मैं इसके लिए, मुझे तो अगली बोल रहा था एक दिन ये। जुएटा भागी भागी घर आती, यारा से बताती है कि वो मुझे स्पेशल बोलता है, मैं उसके लिए स्पेशल थी पहले तो अभी भी होंगी, इसलिए मैं उसको बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। पर इसका कहना होता है यारा का ना कि कोई भी लड़का कभी भी किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आई हो। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लग जाती है। इतने में जुएटा कहती है कि खुद को देखो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें स्लिम प्रोडक्ट बेचता है, कहाँ से तुम्हें पतले होने की जरूरत है, देखो खुद को, मत खाएगा तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। यारा रोकर यहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम जुएटा और एंड्रे को देखते हैं साथ में बातें बातें कर रहे होती है। पूछती है कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़कियाँ पसंद है क्या, ये मना करता है, ये कहती है कि नेचुरल लड़कियाँ ज़्यादा सुंदर होती है। जुएटा सुनकर दुखी होती है और इसे कुछ बताती नहीं है, वरना इसको आज बताने ही आई थी यहाँ पर। ये डर गई है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। अगले दिन से इवा ने वोकल्स प्रैक्टिस शुरू कर दी होती है, और कढ़ाई बेचने से तो बढ़िया ही होता ही है इसके लिए भाई। जुएटा भी आके इसे एक एडवाइस देती है, और ये सेम बात वहीं बोलती है ना जो कि इसके पिता ने एक बार ईव को वहाँ पर बोला था। तो ईवा को ना कुछ अजीब सा लगता है कि वो आदमी भी बोल रहा था ये भी बोल रही है, उसको शक सा हो जाता है। खैर अगले दिन एंजेला का फर्स्ट टीवी शो होने वाला था, पर इसे हॉस्पिटल भागकर जाना पड़ा क्योंकि यारा ने जान देने की कोशिश की, ऑलमोस्ट मर गई थी। डॉक्टर ने बताया है कि ये पतले होने के प्रोडक्ट लेती है तो इसकी जान जाने वाली थी उस वजह से, तो उसको लेने से मना करो। जुएटा इसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है जो कि बाहर ही खड़ा होता है, कहती है अभी यारा से दूर रही हूँ तू, उसे प्रोडक्ट मत बेच। ये वो करती है इसको, फिर यहाँ से जाती है स्टूडियो में और आकर परफॉर्म करती है बहुत अच्छा। और यहाँ पर मार्केट में ना एंजेलिका छा गई होती है, सब उसको जान गए होते कि हाँ ऐसी भी एक सिंगर आ चुकी है, और एंड्रे भी इसे पसंद करने लग गया होता है। एक रोज क्लब में बातें करते हुए एंड्रे के पिता इसको बुला लेते हैं, और जुएटा वेट करते करते सो जाती है। कुछ देर बाद जब एंड्रे आता है तो इसकी कमर पर वही टैटू देखता है जो कि जुएटा ने अपनी डायरी में भी बनाया था, जो कि इसकी कार में भूलकर चली गई थी आपको याद होगा शुरू में। तो ये जान जाता है कि ये लड़की कौन है, यानी कि जुएटा है। और बस यहाँ से हम देखते हैं अगले दिन पार्टी में सबको, यहाँ पर नहीं इसको पूरी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जानता है फेक बन के हमारे साथ रहती है। ईवा भाई अलग ही हरामी लड़की होती है। जुएटा को पिता को एंजेलिका का फैन बनाकर लेकर यहाँ पर आ जाती है। जुएटा की बोलती बंद होगी, बोले तो बोलेगा, ऐसा बिहेव करती है कि ये इस आदमी को जानती नहीं जो कि इसके पिता होते हैं। यारा भी यहीं पर होती है जो ऐसा बर्ताव देख इसका इसके पिता को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाद में जुएटा एंड्रे से अपनी सच्चाई बताने जाती है, पर ये ऑलरेडी जानता है। ये बताती है कि इसने ऐसा क्यों किया। ये रोने लगती है, मैं तुम्हारी वजह से बदली हूँ, तुमने कहा था कि अगर मैं सुंदर होती तो सिंगर बन जाती, मुझे बुरा लगा था और अपनी लाइफ सुधारने के लिए मैंने ये सब किया। एंड्रे से माफ़ी मांगता उस रात को ऐसा बोलने के लिए। और अगले दिन इसका कॉन्सर्ट होता है और शुरू होता है, तो यहाँ पर ईवा फिर से इसके पिता को भेज देती है, बहुत हरामी होती है। जुएटा रुक जाती है और सबको बताती है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसी थी, और सब मेरा मजाक बनाते थे पहले, मैं घोस्ट सिंगर थी, ये मेरे पिता है जो कि बीमार है। और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि चलो इसने कम से कम एक्सेप्ट तो किया। और टाइम बीतने के साथ साथ जुएटा अब सिंगर बन गई होती है और एंड्रे के साथ रिलेशनशिप में भी है। ईवा को देखते फिर हम अब सिंगर तो रही नहीं जो कि वो पहले भी नहीं ही थी, अब बन गई होती यूट्यूबर जो कि भिखारी बन के रोड पर कंटेंट खोज रही होती है। पर आज बेचारी को पुलिस वाले सच में भिखारी समझ के उठा कर लेकर चले जाते हैं। अरे इससे अच्छा कढ़ाई ही बेच लेती यार ये। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तो बाय।